अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ बड़े यंग सीईओ से जो डेव रैंक्स सॉफ्टवेयर हाउस के सीईओ हैं। इनका एक वर्चुअल ऑफिस यूएसए टेक्सास में है। एक्चुअल में हम इनकी आज सक्सेस स्टोरी के बारे में भी अपने व्यूअर्स के साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आपको आइडिया आया, क्या आपकी स्ट्रगल थी, क्या आपका बैकग्राउंड था? 5-6 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर हाउस का नाम सुना और एक क्यूरियोसिटी थी कि सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है, कि इज इट वेरी वीआईपी समथिंग, तो वहीं से दिलचस्पी पैदा होना स्टार्ट हुई कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसमें हम इन हो सकते हैं, लाइक ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो इन जगहों पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसे ही मतलब हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है तो मेरे जो भाई हैं ऑलरेडी काम कर रहे थे कुछ थोड़ा बहुत इसमें आईटी में, ठीक है, तो मुझे भी साथ में थोड़ा सा मिला मौका काम करने का। तो पहले तो 3 साल मैंने जॉब की है। बाज मैंने इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो बहुत इनक्रेज करते हैं कि स्टडी की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर स्टडी के भी आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपना काम करें, ये करें, वो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में स्टडी बहुत एक अहम रोल है। आपने जब ये सॉफ्टवेयर अपना डेवलप किया तो इसमें मेन आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कितने इयर्स हो गए इस बिजनेस में और यूएसए मार्केट तक आप कैसे पहुंचे, क्योंकि आपका वहां पर एक वर्चुअल ऑफिस भी है जी। तो इसको थोड़ा सा हमें एलिब्रेट कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट वेब डेवलपमेंट से किया था और उसके बाद तकरीबन 1 साल मैंने वेब डेवलपमेंट में सक्सेस दी। साथ में मैं जॉब कर रहा था वेब में, लेकिन मैंने साथ में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काम स्टार्ट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट मुझे 2-3 साल फिर उसके बाद मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काम करता रहा। तो फिर जैसे ही मुझे थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हुआ कि लेट से कि जैसे डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है और हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक अगर यहाँ पे कोई क्लाइंट हमें पे कर रहा है तो उसे हम इतने महंगे डेवलपर्स होते हैं उनसे वर्किंग करवा के हमारे लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारी प्राइसिंग वगैरह मैनेज करना। तो फिर हमने यही सोचा कि हम अपनी यूएसए में मार्केट स्टेबल करेंगे। लाइक एसईओ के लिए $2,000 का बंदा वो हायर करते हैं, ठीक है, और आप वही एसईओ के लिए यहाँ पे 50,000 में बंदा हायर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका 50,000 या 40,000 उस $2,000-3,000 वाले बंदे को कम्पीट कर रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से उनके इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक 50,000-40,000 में एसईओ की सर्विसेज हायर करें, वो आपकी एसईओ करेगा वेबसाइट की, एसईओ आपकी यूएसए में होगी, उसे रैंक करेगा और जो वहाँ के कंपटीटर्स हैं उनके साथ आप मुकाबला करेंगे, देन आप उनके साथ मतलब बिजनेस ले सकते हैं। और पहले जैसे हमने किया वर्चुअल अपना ऑफिस स्टार्ट किया, तो आप भी स्टार्टिंग पे वर्चुअल ऑफिस से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप फिर वहाँ पे फिजिकली चले जाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अच्छा, अभी आप कंपनी है कि क्या क्या एग्जैक्ट सर्विसेज दे रही है? हमारी जो सर्विसेज हैं वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट में हमारी जो डिटेल में जो भी मार्केट की नीड्स हैं उस हिसाब से जितनी भी पॉपुलर कैटेगरीज हैं उनमें हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी ने डॉलर अर्न करने के, हमारी आजकल जो डॉलर अर्न के ऊपर अर्निंग के ऊपर लोगों का बड़ा फोकस है, तो लोग हमेशा ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें उनको डॉलर्स में जो है वो सैलरीज मिले या उनको इस तरह की अर्निंग हो, तो किस तरह की डेवलपमेंट, किस तरह के प्रोग्राम्स के ऊपर यंगस्टर्स को आप एडवाइस करेंगे कि आनी चाहिए? मैं जो बिल्कुल स्टार्टअप हैं उनके लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वेबसाइट से स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें आपको जल्दी क्लाइंट भी मिल जाता है और जल्दी आप उसमें अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली ऐप पे जंप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप डीमोटिवेट होंगे और आप उसे इतना अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसकी रीज़न है कि उसके जो स्टैक्स हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपको लैपटॉप मैकबुक चाहिए और आपको उसके लिए कम से कम फ्लटर, डार्ट, ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन वेब डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, वेब डेवलपमेंट में आप बहुत इजीली मार्केट में इन हो सकते हैं और अपनी सर्विस दे सकते हैं और लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। जब आप बिजनेस, आप देखते हैं कि बिजनेस आपका स्टेबल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लाइक आप थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट कर गए हैं, तो देन आप उसमें ऐड ऑन करें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, उसमें ऐड ऑन करें वेबसाइट की जो मजीद टेक्नोलॉजीज हैं उनको ऐड करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर जो डिग्री होल्डर्स हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाइक ऐप डेवलपमेंट में जाएँ, ठीक है, और ऐप डेवलपमेंट में एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को चूज़ कर लें कि मैंने फ्लटर में काम करना है, मैंने रिएक्ट नेटिव में काम करना है, या फिर मैंने नेटिव एप्लीकेशंस में लाइक जावा और स्विफ्ट पे काम करना है। आप उसे सेलेक्ट कर लें एंड स्टिक रहें, तब तक स्टिक रहें जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो जाते, आप उससे अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देते। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 एप्लीकेशंस की हैं जावा में और मैं कहूँगा कि यार अब मैं वेबसाइट भी कर लूँगा, मैं डार्ट भी कर लूँगा, ये कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आप एक पे स्टिक रहें, उसमें 2-3 साल जॉब करें, वो जब आपकी चीज़ चल जाती है तो आप अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करें, देन उसमें चीज़ों को ऐड ऑन करें। एज ए सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं? देखें, एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल डराए ना,
ठीक है, ड्राई इस तरीके से कि मतलब उसे ये नहीं कहेंगे आप यार कुछ और कर ही नहीं सकते, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं और मैं उन्हें खुद बताता हूँ कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। आप स्ट्रिक्टली उसके ऊपर खड़े हैं कि यार ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लैपटॉप में कैमरेज लगाए हुए हैं, स्क्रीन शॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अनकंफर्टेबल करती है थोड़ी सी। आप थोड़ा सा उसे ईजी माहौल दें, ठीक है, फ्रीडम दें कि यार वो यहाँ पे सेफ है, अगर यहाँ पे उसे सैलरी मिल रही है तो कहीं और पे ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। साथ में थोड़ा आप उसे जैसे सर्विसेज होती हैं कि आपको लंच या इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी सी ऐड करें, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर लें जो बाकी कंपनीज कर रही हैं। तो एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि कम से कम आपके साथ आपके पास 2 से 3 साल गुजार जाते हैं, उन्होंने सीखना भी होता है, आप उसे सिखाएं, साथ में उसे ये भी बताएं अब अपने बिजनेस में इन चीज़ों से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और आप सारे फ्लोज उन्हें समझाएं। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर एम्प्लॉय होता है वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है और वो उसका खुद ही नहीं दिल करता जाने के लिए। तो ये एक एडवाइस। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से उसके लिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्रीमेंट करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स देते हैं। लाइक मेरा प्रोसीजर ये है कि मेरा जो भी इम्प्लॉय है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि आप कोई भी इस तरीके से चीज़ों की वायलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि वो किसी से कंफर्टेबल ही ना रहे, ठीक है। लाइक उसे पता भी है ना कि ये लड़का काम कर रहा है तो वो डायरेक्टली उससे होने की कोशिश ना करें, आप थोड़ा सा उसके साथ ऐसी उसे सर्विसेज या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे प्रोवाइड करें सर्विसेज में कि वो थोड़ा सा के साथ ही स्टेबल रहे, और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आप प्रॉपर एग्रीमेंट करें ताकि अगर कोई भी वायलेशन करता है तो डेफिनेटली फिर उसके लिए एक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो आप फॉलो करें। जो डिग्री होल्डर्स हैं और अगर जो डिग्री होल्डर नहीं है डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जिनके पास ऑन हैंड एक्सपीरियंस है, इनकी क्या सैलरीज होती चल रही है? जो सैलरी है इज टोटली अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें डिपेंड नहीं करता। नहीं, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि लाइक उसे कितना आता है, ठीक है, लाइक उसने खुद से कितना सीखा है, ठीक है। तो अगर इंटर्निंग की बात करें तो आपको वेब डेवलपमेंट में 20-30,000 तक आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट में। और अगर ऐप में जाते हैं तो इट्स अराउंड अबाउट 30-40,000 आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर मिल जाएगी, ठीक है। और लाहौर में देख लें या फिर कराची इस्लामाबाद में, तो आपको इतने तक आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अपनी सिर्फ कोशिश करें कि लर्न करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। व्यूअर्स आपने मिलते था।